यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर खुद को भगवान का दूसरा रूप कहलाने वाले डॉक्टर सुर्खियों में हैं। आखिर इस बार किस वजह से डॉक्टर सुर्खियों में हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। जहाँ एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और हॉस्पिटल मालिकों के लालच के चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एक ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ में चल रहा है, सड़क हॉस्पिटल में देखने को मिला है, जहां इलाहाबाद में आए एक मरीज की मौत के बाद परिवार वालों को हॉस्पिटल के बाउंसरों ने धक्के मारकर बाहर कर दिया। साथ ही मरीज की मौत के बाद मनमानी तरीके से दवाइयों का पर्चा परिवार वालों को देकर दवाइयां खरीदने को कहा। मौत की भनक लगते ही परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। क्या हुआ यहाँ हॉस्पिटल में लाई आप? यहाँ भी लेके आए तो कहा कि जो है इसका जो है पत्थर हो गया है, उसका जो है कहा कि फिर नहीं ये नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब वो ज्यादा जो है इलाज कराते थे 30-40 हजार रुपए चलो तक डेली का जो अपना अलग से बनाते थे, लेकिन मरीज मरीज से मिलने नहीं देते थे। और ये जो हॉस्पिटल प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल के प्रशासन ने आपके साथ क्या किया? क्या कहते थे वो? सब रोने लगे। बॉडी आपको दी अभी तक? क्या कह रहे हैं बॉडी क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं दिया। अच्छा, वह पूरे मामले में हॉस्पिटल प्रशासन कैमरे से बचता नजर आया। वहीं लखनऊ के सीएमओ मेजर सीएस बाजपाई का कहना था कि इस मामले में दोषी डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रशासन पर कार्यवाही की जाएगी। हॉस्पिटल प्रशासन है उनसे दवाएं वगैरह का पैसा लेता रहा, उसके बाद काफी अभी हंगामा हुआ है और लाश नहीं दी जा रही थी। पुलिस के इंटरव्यू के बाद फिर लाश भी परिवार को सपोर्ट किया गया। जैसे हॉस्पिटल के ऊपर कोई मानक है या कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे या खाली ऐसी हवा में बातें हैं? नहीं सिराज जी, आपने जैसा कहा कि ये जो प्रकरण आप लोग बता रहे हैं मैंने भी एक आधे मीडिया पे देखा है, तो मैं जरूर इसको संज्ञान में लेके पूछूंगा कि क्या पूरा मसला है। लेकिन ये नितांत मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। अगर कोई मरीज मर गया है उसको तुरंत डेड डिक्लेयर करें, और ये तो किसी भी नॉर्म्स में किसी भी एथिक्स में स्वीकार नहीं होगा। वो बिजनेस क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी डेडबाजी ना देना, डिग्रेडिंग करना कर्तव्य कानूनों से। तो इसका जैसा बताया चरक अस्पताल जो शायद चौक में है, मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं जरूर करूंगा।